ये आपका फोर्थ वीडियो है फ्रेजल वर्ब्स पे। इसमें हम जो ना आपको आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराएंगे और आप इसको कह सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी, जिससे कि आपको पूरा आइडिया हो जाए सेंटेंसेस का यूज़ कैसे होता है, उसमें कौन कौन सी फ्रेजल वर्ब्स आनी चाहिए। तो आप इसको ध्यान से देखिए, ये मैं 50 एग्जाम्पल्स आपको अभी समझाने जा रहा हूँ, जिससे कि आपकी और प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको कोई भी दिक्कत ना आए। और सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करते हैं, सभी एग्जामिनेशंस की जो ना ये किस्म से आप क्विज कह सकते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे CGL का हो, चाहे CUET का हो, चाहे CHSL का हो, चाहे बैंक का हो, सभी एग्ज़ाम्स में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप आराम से उसको कर सकते हैं। तो ये 50 एग्जाम्पल्स, और इसके बाद मैं आपको 100 क्वेश्चंस की जो ना क्विज दूंगा, और वो क्विज आपने स्वयं करनी है नेक्स्ट वीडियो में। सो लेट्स वॉच दिस वीडियो। ओके, ये देखिए आपको अभी दिखाई दे रहा है फ्रेजल वर्ब्स जो क्वेश्चन हैं हमारे, वो हम ले लेते हैं 50 क्वेश्चन जल्दी जल्दी। जैसे द PM विल फिल इन द ब्लैंक्स है, ये ठीक है। द फ्लड विक्टिम्स टुमारो, ये ऑप्शन है आपके, कम ओवर, टेक अप, गो हैड, लुक फॉरवर्ड। द PM विल कम ओवर, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है सी ब्लैंक द इश्यू ड्यूरिंग द मीटिंग, सी लुक्ड इनटू, सी टुक अप, ठीक है, पुट फॉरवर्ड एंड वेंट आउट। सी पुट फॉरवर्ड द इश्यू ड्यूरिंग द मीटिंग, यानी मीटिंग के दौरान उसने जो इश्यू था उसको आगे बढ़ाया। इसका मतलब क्या होता है, आगे बढ़ाना। ही ब्लैंक एन ओल्ड फ्रेंड एट द एयरपोर्ट, गॉट थ्रू, रैन इन टू, लुक्ड आउट, टुक और। ही रैन इन टू एन ओल्ड फ्रेंड, यहाँ क्या होता है, एक किस्म से आप इसको रैन इन टू को बोल सकते हैं मीट। ये उसने अपने उसको एक बहुत पुराना दोस्त उसको एयरपोर्ट पर मिला, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दे डिसाइडेड टू पिकनिक ड्यू टू बैड वेदर, ये हमने पहले भी कराया था इस प्रकार का क्वेश्चन, कि पुट ऑफ, टेक ऑफ, होल्ड ऑन, ब्रिंग अप। पुट ऑफ होता है पोस्टपोन करना, मतलब आगे मौसम खराब होने की वजह से उन्होंने मीटिंग पोस्टपोन कर दी, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, द टीम फाइनली एनिमीज डिफेंस, कट ऑफ, गेव अप, कॉल्ड ऑफ, ब्रोक थ्रो, ये चार ऑप्शंस हैं मल्टीपल चॉइस। ब्रोक थ्रो कि जो टीम थी वो जो एनिमी डिफेंस है जो गेम के अंदर होता है डिफेंस, चाहे वो हॉकी में हो या आपका जो ना फुटबॉल में हो, तो वहाँ डिफेंस के जो प्लेयर्स होते हैं अंत में जो अपोजिट टीम है उसने उसकी डिफेंस को जो ना क्रॉस कर दिया, डिफेंस पे और कम कर लिया, ब्रोक तोड़ दिया और गेंद को आगे लेके, बॉल को आगे लेके बढ़ गए। सी पेंटिंग एज ए हॉबी, यहाँ केम बैक, गॉट थ्रो, गेव अप, टुक अप। सी टुक अप, उसने अपनाया, यहाँ टुक अप का मतलब है अपनाना, कि उसने इस प्रोफेशन को, कौन सी को, पेंटिंग को एज ए हॉबी बना लिया, इसका मीनिंग हो गया। द कमेटी विल द मैटर कैरी ऑन, एक तो ऑप्शन ये है। नेक्स्ट देखिए, ब्रिंग बैक, लुक इनटू, पुट आउट, लुक इनटू, इस पर ध्यान देगी, विचार करना, यहाँ लुक इनटू का मतलब है डिस्कशन करना, ठीक है। नेक्स्ट, ही द जॉब ऑफर बिकॉज ऑफ द लो सैलरी, टर्न ऑन, टर्न डाउन, टर्न ऑफ, टर्न अप, आमतौर पर टर्न डाउन होता है रिजेक्ट करना, ठीक है, रिजेक्ट करना, एक्सेप्ट नहीं करना, नॉट एक्सेप्टेड, इसका मतलब ये हो गया। नेक्स्ट सी ए स्टोरी टू एक्सप्लेन हर एब्सेंस, उसने अपनी एब्सेंस की, जैसे कोई विद्यार्थी अपनी एब्सेंस अगर वो स्कूल में नहीं आता तो अध्यापक के सामने कोई स्टोरी बनाता है
तो बनाने का मतलब ब्रोट अप, तो देखभाल करना होता है। गोट थ्रो इज डिफरेंट, मेड अप बनाई आर्टिफिशियल, यानी उसी टाइम उसने उसको स्टोरी को गढ़ दिया, जैसे हम बोलते ना स्टोरी गढ़ना। डे ऑफ मिल्क, सो आई वेंट टू द स्टोर टू बाई मिल्क, इसलिए मैं स्टोर में लाने के गया। मिल्क खत्म हो गया तभी तो स्टोर में लाने गया ना। कमरों टू कोवर केम अक्रॉस, दोनों नहीं हो सकते तो कौन सा हो सकता है, रैन आउट, कम पड़ गया, शॉर्टेज होगी उसमें। शॉर्टेज की वजह से मैं स्टोर से मिल्क लाने के लिए गया। ही द लाइट बिफोर लिविंग द रूम टर्न ऑफ, पहला ही आंसर है। द स्टूडेंट्स द प्रिंसिपल ऑफिस टू स्टील एग्जाम पेपर्स, ब्रेकअप होता है अलग चीज, संबंध विच्छेद करना, रिलेशन खत्म होना, ब्रोक इन शीशा तोड़ के या कोई चोर घुसना, ब्रोक डाउन और ब्रोक आउट। तो यहाँ ब्रोक इन, शीशा तोड़ गया मतलब आप विदाउट परमिशन अंदर चले गए, प्रिंसिपल की ऑफिस में विदाउट परमिशन जाके पेपर चुरा लिए। दे ब्लैंक ग्रोसरीज ऑन देयर वे होम फ्रॉम वर्क, पिक्ड अप पिक्ड आउट पिक्ड ऑफ, ये हो सकता है। लेट अस सी, बताइए सोचिए। पिक्ड ऑन पिक्ड अप इज द करेक्ट आंसर। सी हर फियर पब्लिक स्पीकिंग बाई प्रैक्टाइजिंग रेगुलरली, ओवरकम, आमतौर पर ओवरकम होता है, गोट ओवर। सी गोट ओवर हर फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग बाई प्रैक्टिस, रेगुलरली प्रैक्टिस करने के बाद उसने जो ना गोट ओवर, विजय प्राप्त करना, इसको बोलते हैं जो ना सक्सेस, और कहते हैं ना हम विजय प्राप्त करना, विजय प्राप्त कर ली। कमी थी जो उसकी, उसके अंदर जो वीकनेस थी उसको ओवरकम कर लिया, उस पर जीत हासिल कर ली। ही विद हिज वर्क डिस्पाइट फीलिंग अनवेल, अनवेल होने के कारण, बीमार होने के कारण फिर भी उसने अपना काम कंटिन्यू रखा, कैरीड ऑन, कैरी ऑन कहते हैं ना, कैरी ऑन का हम प्रयोग करते हैं, तो ही कैरीड ऑन। द कंपनी द प्रोडक्ट लंच अंटिल नेक्स्ट ईयर, द कंपनी पुट ऑफ यानी पोस्टपोन, प्लान चेंज कर दिए, एडवांस आगे बढ़ा दिए। नेक्स्ट, सी हर शूज बिफोर एंटरिंग द हाउस, शूज का होता है हम पुट ऑन होता है, शूज पहनना पुट ऑफ होता है, उतारना पुट अवे अलग होता है, पुट आउट अलग होता है। तो पुट ऑन हर शूज बिफोर एंटरिंग द हाउस और पुट ऑफ, तो पुट ऑफ इज द आंसर। नेक्स्ट, दे डिटेल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर साइनिंग अप, वेंट वेंट डाउन वेंट ओवर वेंट ऑफ वेंट ओवर, डिटेल जानना यानी उसकी डिटेल्स को जानना, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले डिटेल जानना जरूरी है। ही न्यू बिजनेस आफ्टर रिटायरिंग फ्रॉम हिज प्रीवियस जॉब, सेटअप, ओके सिंपल होता है सेटअप, सभी को मालूम ही है। नेक्स्ट, सी हर यंगर सिबलिंग्स वाइल हर पेरेंट्स वर अवे, लुक्ड आफ्टर, सी लुक्ड आफ्टर, छोटे का ध्यान देना, लुक आफ्टर, तो कहाँ सी है, लुक आफ्टर, डी डी इज द आंसर। ही रैन द अलार्म क्लॉक टू वेक अप अर्ली, जल्दी उठने के लिए उसने अलार्म को क्या करते हैं, सेट अप तो नहीं कर सकते हम, सेट इन भी नहीं कर सकते, सेट अप आंसर देखते हैं। हाँ सेट अप आंसर है, सी इज द करेक्ट आंसर। दे द न्यू रेस्टोरेंट इन टाउन, चेक्ड अप चेक्ड आउट चेक्ड इन और चेक्ड आउट, चेक्ड आउट, नया रेस्टोरेंट पे उन्होंने विजिट की, उसका खाना टेस्ट किया, ठीक है। सी हर कोट बिफोर गोइंग आउटसाइड, बाहर जाने से पहले उसने अपना कोट क्या कर दिया, पुट ऑन, आमतौर पर बाहर जाते हैं तो पुट ऑन करते हैं, पुट ऑफ नहीं करते, घर आते हैं तो पुट ऑफ करते हैं। ही वे ब्रिलियंट आइडिया फॉर देयर नेक्स्ट मार्केटिंग कैंपेन, क्या होता है, केम अप विद, उसके दिमाग में एक नया नया विचार, जिसको बोलते हैं ना नया विचार, तो उसको हम प्रयोग करते हैं केम अप विद, वो नए विचार के सामने लेकर कम मार्केटिंग की जो नई स्ट्रेटजी बनाने के लिए
नए विचार के साथ आया। दे द इश्यू ड्यूरिंग द मीटिंग ब्रॉट अप, उठाना। सी द मिस्टेक इन द रिपोर्ट पॉइंटेड आउट, हो सकता है सी पॉइंटेड आउट द मिस्टेक, ये करेक्ट हो सकता है, देखते हैं आंसर क्या है। पॉइंटेड आउट, पॉइंटेड आउट का मतलब फाइंड आउट ये कि ये मिस्टेक है, उसने बता दिया कि ये मिस्टेक है, इसको बोलते हैं पॉइंट आउट करना, बताना, दर्शाना, जताना। ही द जॉब आफ्टर बिकॉज ऑफ द लो सैलरी, सैलरी कम थी तो उसने जॉब टर्न डाउन कर दी। टर्न अप नहीं होता, टर्न डाउन करता होता है रिजेक्ट करना, ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। द चिल्ड्रन टॉयज स्कैटर्ड अराउंड द रूम, द चिल्ड्रन पिक अप द टॉयज स्कैटर्ड, जो कमरे में इधर उधर पड़े थे उनको पिकअप कर लिया, तो पिकअप इज द करेक्ट आंसर। सी हर शूज बिफोर एंटरिंग द हाउस, ये वही आ गया, ठीक है। टू कॉफ, अपना जो ना जूते घर में कई लोग पहनते हैं, कई लोग अंदर के जूते पहनते हैं, वहाँ टू कॉन भी हो सकता है, यहाँ टू कॉफ, बाहर के जूते बाहर निकाल दिए, अंदर के शूज अंदर डाल लिए, तो यहाँ टू कॉफ आएगा। दे स्टे डॉग एंड डिसाइडेड टू कीप इट एज पेट, उन्होंने एक स्टे डॉग देखा और उसको अपना पालतू बना लिया, एंड दे टुक इन, उसको अंदर ले आए घर के, तो इस प्रकार इसको बोलते हैं घर के अंदर एंट्री कर देना, एंट्री एक्सेप्ट करना, उसको पालतू बना लिया उसको। द स्टूडेंट्स द असाइनमेंट बिफोर द डे एंड, टर्न इन, असाइनमेंट्स पूरा कर लिया। ही विद हिज वर्क डिस्पाइट फीलिंग टायर्ड, ही कंप्लीट कैरिड आउट और कैरिड ऑन, कैरिड आउट कैरिड अवे, बताइए क्या है, बीमार होने के बावजूद उसने क्या किया, कैरिड ऑन जारी रखा। दे मेक प्लान टू सोल्व द प्रॉब्लम, दे केम अप विद ए प्लान, केम अप विद ए प्लान, ठीक है। तो यहाँ इस प्रकार की नई कोई प्लान लाना बीच में, वहाँ केम अप विद होता है वहाँ। सी द इश्यू ड्यूरिंग द मीटिंग, ये बार बार आया, बताओ आप बताइए। सी ब्रॉट अप फॉरवर्ड गया। ही न्यू बिजनेस आफ्टर रिटायरिंग, ये भी हमने कर लिया सेटअप। नेक्स्ट, और टर्न डाउन वेंट ओवर, दे वेंट ओवर द डिटेल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर साइनिंग, या वेंट ओवर भी आ सकता है क्योंकि वेंट है यहाँ, तो वेंट ओवर ए इज द आंसर। ए स्टोरी टू एक्सप्लेन हर एब्सेंस, मेड अप बनाना, वो तो हमने कर लिया। ही ए प्लान टू सोल्व द प्रॉब्लम, केम विद, केम अप विद। दे ग्रोसरीज ऑन द वे फ्रॉम होम, ये भी हमने कर लिया। नेक्स्ट देखिए, सी हर शूज, सी भी हो गया, ये प्रैक्टिस के लिए है। ही जॉब बिकॉज ऑफ द लो सैलरी टर्न ऑफ, ये रहा प्रैक्टिस पब्लिक स्पीकिंग। ये देखो कोर्ट भी वाला, बताओ आप बताओ इसका आंसर, हर कोर्ट अभी हमें नहीं कराया, बताइए आंसर, आंसर बताइए इसका, इसका आंसर बताइए भाई कमेंट बॉक्स में लिखिए। और ये सभी जो ना आपको रीड लर्न एक्सेल .com में PDF मिल जाएगी सभी की, वहाँ से PDF से प्रैक्टिस कीजिए। बहुत पूरी जो ना हमने प्लेलिस्ट बना दी है इसकी, इसके बाद एक दो वीडियो डाल देंगे ताकि आपको इस पर कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। नेक्स्ट, सी आर शूज, ये तो हमने कर लिया, ठीक है। और अब आप ऐसा कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए भाई, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड